ऊपर का लेवल बताया जा रहा है 65% अब, मतलब कि 9440 का लेवल बताया जा रहा है। हाय एवरीवन, तो आज बात करेंगे बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जो इन्वेस्टर्स और क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का काफी फेवरेट स्टॉक है। ये पास्ट में मल्टीबैगर स्टॉक रहा है। इसकी 10 ईयर स्टॉक सीएजीआर जो है 50% की है और 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ इसकी 30% की है। तो इतने अच्छी ग्रोथ देने के बाद ऐसा क्या हुआ स्टॉक में कि इसके प्राइस अब जो है सिग्निफिकेंटली, अब देखेंगे पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से इसके प्राइस नीचे आ रहे हैं। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये प्राइस नीचे क्यों गिर रहा है, ऐसा क्या हुआ है स्टॉक में कि ये प्राइस नीचे आ रहे हैं। इसके फंडामेंटल्स देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक में अभी भी वो दम है कि ये आगे सिमिलर ग्रोथ दे पाए और जो इन्वेस्टर्स हैं करंट वो उसमें इन्वेस्टेड रहें या न्यू पोजीशंस बनाएं। हम इसके टेक्निकल्स भी देखेंगे कि करंट प्राइसिंग क्या है और अभी स्टॉक किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और शॉर्ट टर्म में किस प्राइस तक जा सकता है। मार्केट सेंटिमेंट्स भी डिस्कस करेंगे क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक नेगेटिव न्यूज आती है और उसके चलते स्टॉक गिरने लगता है, जबकि लॉन्ग टर्म में उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म इंपैक्ट्स काफी ज्यादा होते हैं, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। क्रिसिल की रिपोर्ट है ये, और क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि जो एनबीएफसीज हैं, एनबीएफसी का मतलब ये है बजाज फाइनेंस, म्यूचुअल फाइनेंस जैसी जो कंपनी है, इनके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स इंक्रीज हो गई है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स का सिंपल मीनिंग यहाँ पर ये है कि ये कंपनीज जब अपने कस्टमर्स को लोन देती हैं तो वो लोन देने के लिए पैसा कहाँ से आता है, वो पैसा ये किसी दूसरी कंपनीज या फिर किसी दूसरे लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से बोरो करती हैं और उस पर इनको इंटरेस्ट देना होता है, तो उसको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कहते हैं। तो जो इंटरेस्ट पिछले साल तक ये 6.4% पे कर रहे थे, एवरेज 6.4% इनका आ रहा था, वो इंटरेस्ट इस साल 7.2 से लेकर 7.4% तक इंक्रीज कर गया है। इसका क्लियर मीनिंग ये है, आप ये समझिए, अगर इन्होंने 10,000 रुपए किसी इंस्टीट्यूशन से एज अ लोन लिया है आगे अपने कस्टमर्स को देने के लिए, तो उस पर इनको अगर पहले 640 रुपीज एज ए इंटरेस्ट पे करने पड़ रहे थे, तो अभी इस साल पिछले एक साल से इनको 720 से लेकर के 740 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। तो क्लियर मीनिंग ये है कि इनकी जो इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है, जिससे इनके मार्जिन्स हिट हो रहे हैं। सो इनके मार्जिन्स हिट होने की वजह से मार्केट के अंदर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो स्टॉक को सेल करने लगते हैं। रीजन बीइंग उनको ये लगता है कि स्टॉक अब एक टारगेट पे आ गया है, अब यहाँ से मार्जिन्स हिट होंगे, प्रॉफिट्स कम होंगे, तो उसके बाद स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा नीचे आएगा, तो इस वजह से इसमें सेलिंग होने लगती है। पहला रीजन तो ये है। तो अब देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। सबसे पहले कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेते हैं, कंपनी के Q4 के प्रॉफिट्स को देख लेते हैं। अगर आप Q4 के प्रॉफिट्स को नोटिस करेंगे तो कंपनी ने 10,784 करोड़ का रेवेन्यू किया है और उसमें कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है 3,351 करोड़ का। जो इंटरेस्ट है, जो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं उसमें सिग्निफिकेंटली यहाँ से ग्रोथ हो रही है, क्योंकि इंटरेस्ट इनके लिए एक एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस जो है ये सैलरीज और बाकी के जो एक्सपेंसेस इनके ऑफिस कॉस्ट वगैरह वो भी थोड़े से बढ़े हैं, बट अगर आप इनका नेट नेट प्रॉफिट देखेंगे ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो ग्रो कर रहा है। अगर आप यहाँ से नोटिस करेंगे तो ये प्रॉफिट जो है इनका हर साल यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे ग्रो करता जा रहा है, ठीक है। अभी भी 2,973 करोड़ का प्रॉफिट किया कंपनी ने दिसंबर के अंदर। दिसंबर 22 को अगर आप मैच करेंगे दिसंबर 2021 से, तो ये 40% की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने इसके अंदर, ठीक है, विच इज अ वेरी गुड ग्रोथ। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी आप देखेंगे कि इंक्रीज कर रहा है, 45.93 था 49.11 हो गया, ठीक है। कंपनी के ग्रॉस एनपीए में रिडक्शन आई और नेट एनपीए में भी रिडक्शन आई है। एनपीए का क्लियर मीनिंग ये होता है कि वो लोन्स जो कंपनी रिकवर नहीं कर पा रही है, अगर ऐसे लोन्स की बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स कंपनी को नुकसान होगा, लेकिन एनपीए कंपनी के घट रहे हैं, इसका मतलब ये है कंपनी के वो लोन्स जो नुकसान दे रहे हैं कंपनी को, उनकी वैल्यू कम हो रही है, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है। सेम इन्फॉर्मेशन कंपनी ने अपनी ये एनुअल रिपोर्ट में बताई है कि कंपनी के जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है, कंपनी की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो अप्रॉक्सिमेटली फ्लैट आई है, ठीक है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जैसे मैंने आपको बताया 40% से इंक्रीज हो रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी में भी इंक्रीज है और कंपनी के नेट एनपीए में रिडक्शन है, 0.78% से रिड्यूस होकर के वो 0.4% पे आ गया है। आगे बढ़ते हैं और कंपनी के लीड फाइनेंशियल इंडिकेटर्स देखते हैं। तो आपने इसमें दो चीजों में फोकस करना है। नंबर वन, इस कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 27% से ग्रोथ हुआ है। कंपनी ने न्यू लोन्स बुक करे हैं Q3 के अंदर हाईएस्ट एवर 7.884 मिलियंस के। पिछली बार इन्होंने पिछले क्वार्टर में इन्होंने 7.44 मिलियन किया था, लेकिन इस बार 7.84 मिलियन, तो कंपनी की जो लोन बुक है वो इंक्रीज हो रही है। कंपनी ने 29 न्यू लोकेशंस में अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज किया है और जो कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात मैं आपसे कर रहा था, कंपनी के जो कॉस्ट ऑफ फंड्स इंक्रीज हुए वो कंपनी ने यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 में खुद ही बताया है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स इंक्रीज हो रही है और वही सिमिलर वाइड एनालिसिस करके क्रिसिल ने भी पब्लिश करी है। और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि कंपनी अपनी ओमनी प्रेजेंस की बात करी। ओमनी प्रेजेंस का क्लियर मीनिंग ये होता है कंपनी हर एक प्लेटफॉर्म के जरिए अपने कस्टमर को रीच कर सकती है, कस्टमर कंपनी को रीच कर सकता है। उसका मतलब यह है कि कंपनी फिजिकली ज्योग्राफिक लोकेशंस के जरिए भी अपने कस्टमर को रीच कर पा रही है, कंपनी की वेबसाइट के जरिए भी कस्टमर उन तक रीच कर सकता है, और थर्ड ऑप्शन कंपनी ने ओपन किया, कंपनी ने ऐप स्टोर पे अपनी ऐप लॉन्च कर दी है।
उस ऐप से बेनिफिट ये मिलेगा कि कंपनी का जो लोन प्रोसेस है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा और उसमें न्यू कैटेगरीज कंपनी ऐड कर रही है, जैसे कि पर्सनल लोन की कैटेगरी उसमें कंपनी ने ऐड करी हुई है, क्रेडिट कार्ड्स कंपनी उसमें सेल कर रही है, टू व्हीलर लोन्स उसमें दे रही है, उसमें लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज कंपनी दे रही है, यूज कार, गोल्ड लोन। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रही है और एप्लीकेशन के जरिए इनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कंपनी की प्रोडक्ट लाइन देखेंगे तो काफी ज्यादा लार्ज है, कंपनी काफी वर्सेटाइल प्रोडक्ट्स में डील करती है, काफी डाइवर्सिफाइड डील करती है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हैं 12 कैटेगरी है इनके पास, एसएमई प्रोडक्ट्स के अंदर 5 कैटेगरी है, कमर्शियल में 7 है। सेम तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे रूरल प्रोडक्ट्स, डिपॉजिट्स, पेमेंट्स, हाउसिंग फाइनेंस के अंदर कंपनी के पास में एक अच्छी खासी कैटेगरी है जिसमें सैलरीड होम लोन्स है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, डेवलपर फाइनेंस है। सेम बजाज सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का क्लियर मीनिंग ये है कि म्यूचुअल फंड्स में ट्रेड करना, स्टॉक्स में डील करना, आईपीओज में डील करना। तो नेट नेट में आपको यहाँ ही बताना चाहता हूँ कि जिस कंपनी की प्रोडक्ट लाइन इतनी ज्यादा लार्ज हो, इतनी ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो, क्योंकि वो इतनी प्रोडक्ट लाइन मैनेज भी कर पा रही है, प्रॉफिट्स भी बना रही है, तो उसका क्लियर मीनिंग ये निकल के आता है इतनी लार्ज प्रोडक्ट लाइन के साथ मार्केट में टिके रहना और प्रॉफिट बनाते रहना, ये कंपनी के लिए काफी कॉम्पिटेटिव एज है। कोई न्यू प्लेयर अगर इस मार्केट में एंटर करता है तो उसके लिए इजी नहीं होगा इस कंपनी के साथ कॉम्पीट करना, इतने सारे प्रोडक्ट्स में साइमल्टेनियसली डील करना। फॉर एग्जाम्पल हम जियो फाइनेंस की न्यूज काफी टाइम से सुन रहे हैं कि जियो फाइनेंस आने वाला है, अगर जियो फाइनेंस आ भी जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि इतनी इजीली इनके साथ कॉम्पीट कर पाएगा, बिकॉज बजाज फाइनेंस एक पुराना मंझा हुआ प्लेयर है और इन्होंने ये स्ट्रेंथ काफी सालों में बिल्ड करी है। तो नेट नेट आगे बढ़ते हैं, कंपनी खुद की डिफरेंशिएटर्स बता रही है जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी के पास में 66.5 मिलियन कस्टमर्स हैं, ठीक है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग फोकस है डेटा एनालिटिक्स के ऊपर, डेटा एनालिटिक्स का क्लियर मीनिंग ये है कि कंपनी डेटा को यूज करके न्यू प्रोडक्ट डिजाइन करती है, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सेल करती है कुछ नए प्रोडक्ट्स और न्यू कस्टमर्स भी एक्वायर करती है। और एक सेइंग है जिसको आपको पता ही होगा, डेटा इज द न्यू ऑयल, तो इसका क्लियर मीनिंग ये है, आज से 20 साल पहले ये कहा जाता था कि जिस कंपनी या कंट्री के पास में ऑयल है ना वो कंट्री बहुत रिच है क्योंकि वो ऑयल को कर सकते हैं। सेम तरीके से आज की डेट में डेटा है, जिस कंपनी के पास में डेटा है ना वो डेटा को एनालाइज करके कस्टमर बिहेवियर को रीड कर सकती है, कस्टमर के लिए न्यू प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर सकती है और कस्टमर के बाकी बाइंग पैटर्न्स को स्टडी करके मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस कर सकती है, ठीक है। कंपनी एजाइल एंड इनोवेटिव है, इसका मीनिंग ये है कि कंपनी कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्मेशन करती है अपने डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स में, ठीक है। कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है जो कि एक जिससे इनको मार्केट में बने रहने में हेल्प हो। और जैसे मैं आपको बताया, कंपनी ने अपनी ऐप लॉन्च करी है, कंपनी डिजिटल जा रही है, कंपनी न्यू ऐप लॉन्च कर रही है। ये तो हुई कंपनी के फंडामेंटल्स की बात, ठीक है। कंपनी के फंडामेंटल्स मुझे काफी स्ट्रांग लगते हैं, ठीक है। कंपनी काफी सारे डायरेक्शंस में एक साथ काम कर रही है, टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, कस्टमर डेटा पे काम कर रही है, कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, कंपनी ऐप लॉन्च कर रही है, कंपनी न्यू लोकेशंस पे अपने ऑफिसेस बिल्ड कर रही है। तो ये फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अब कंपनी के टेक्निकल्स देख लेते हैं। ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है, ठीक है। अगर आप नोटिस करेंगे तो इसने लास्ट ईयर सेप्टेम्बर मिड में यहाँ पे कहीं पे इसने एक 7600 के लेवल्स पे एक हाई बनाया था और उसके बाद से ये स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आकर के आप देखेंगे डाउन ट्रेंड में, फिर इसने 6600 के लेवल्स पे थोड़ा स्टेबल हुआ, ये जनवरी में आप देखेंगे फिर नीचे आने लगा और फिर इसने सपोर्ट लिया इस जोन में आकर के जो कि है 5700 से लेकर के 5600 का जोन है ये, और फिर दोबारा से इसने बाउंस बैक किया और फिर 6400 के लेवल्स को इसने टेस्ट किया एंड वापस ये स्टॉक नीचे आने लगा और अभी वापस ये सेम सपोर्ट जोन में है। ये जो सपोर्ट जोन है इसका, ये वाला सपोर्ट जोन जो है, और अगर ये यहां से भी नीचे आएगा क्लियरली मेरे को लगता है कि ये इस जोन में आकर के सपोर्ट लेगा जो कि है 5300-5200 का जो जोन है ये यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पोजीशन बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो उसने लास्ट टाइम भी लिया था, लेकिन अगर यहां से ये 1% नीचे आता है तो 5200 के लेवल्स पे आकर के सपोर्ट लेगा, बट हाँ स्टैगर्ड बाइंग करी जा सकती है। और आप अगर इसका RSI लेवल देखेंगे तो कम स्टॉक अभी ओवरसोल्ड जोन में गया नहीं है, मतलब 30 के लेवल पर है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ओवरसोल्ड है भी क्योंकि काफी 30 के लेवल पे आ गया ही है। तो ज्यादा दिन ये निफ्टी 50 का स्टॉक है, काफी मजबूत स्टॉक है, आप देखेंगे यहाँ पे ओवरसोल्ड होता है फिर वापस चला जाता है ना, जब भी ये ओवरसोल्ड होता है काफी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक करता है। सिमिलरली मुझे लगता है ये यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ, यहाँ से काफी जल्दी बाउंस बैक करेगा। चार्ट डाउन ट्रेंड में है बट हाँ स्टैगर्ड बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहीं से शुरू हो जाती है। और अगर आप निफ्टी बैंक में फोकस करेंगे तो निफ्टी बैंक भी आप देखेंगे कि ये भी काफी टाइम से डाउन ट्रेंड में ही है, ठीक है। इसके डाउन ट्रेंड के सिंपल रीजन ये है, एक तो रिपल इफेक्ट से मतलब ये है कि जो यूएस में हो रहा है SVB बैंक, सिग्नेचर बैंक और अभी क्रेडिट स्विस का भी न्यूज आ गई है कि क्रेडिट स्विस में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, तो यूएस बैंक फॉल कर रहे हैं उसकी वजह से इंडियन बैंक्स में भी साइमल्टेनियसली कुछ ना कुछ रिपल इम्पैक्ट आ रहे हैं और उसी की वजह से बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, और सिमिलर वे में जो NBFCs हैं उन पर भी एक इम्पैक्ट है। अब फोकस करते हैं कंपनी के
शेयर होल्डर्स कौन कौन है। कंपनी के शेयर होल्डर्स में अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज हो गई, सितंबर 55.86 से 55.91 हो गई है, जो कि एक काफी पॉजिटिव साइन है यहाँ पर, क्योंकि प्रमोटर्स अपना शेयर खुद बाय कर रहे हैं, कि प्रमोटर्स को कन्विक्शन है अपने ही स्टॉक में, अपनी ही कंपनी में, इसलिए वो अपना स्टॉक बाय कर रहे हैं। ठीक है, एफआईआई की होल्डिंग जब से इंटरेस्ट रेट्स हाई हुए आप देखें तब से ही वो लास्ट ईयर मार्च के बाद से ही वो रिड्यूस होने लग गई है, तो एफआईआई अपना स्टेक बेच रहे हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली डीआईआई अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच के जा रहे हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हमारे बाय कर रहे हैं। तो आप देखेंगे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है वो 12.34% हो गई है, मतलब 9.89 से बढ़कर के पिछले ऑलमोस्ट 9 मंथ्स के अंदर। इसमें दो पॉजिटिव साइन है, नंबर वन प्रमोटर अपना स्टॉक खुद बाय कर रहा है, नंबर टू DII की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, जो स्टॉक FII सेल करके जा रहा है वही स्टॉक DII बाय कर रहा है और मार्केट में इन्वेस्टर्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी थोड़ा पोर्शन उनका बढ़ रहा है। अब लास्ट में देखते हैं कि मार्केट में जो एक्सपर्ट्स हैं उनका इस स्टॉक को लेकर के एक फोरकास्ट क्या है। तो अगर हम एक्सपर्ट्स की बात लें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्टॉक, ठीक है, आज की डेट में अगर आप देखेंगे करंट ईयर 2023 के अंदर ये एकदम लेटेस्ट है, अभी 15th ऑफ मार्च का स्क्रीनशॉट है ये। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स इसका जो ऊपर का लेवल बताया जा रहा है 65% अप बताया जा रहा है, मतलब कि 9440 का लेवल बताया जा रहा है। आप इसका मीडियन लेवल देखेंगे तो वो 26% अप है, दैट इज 7219, और अगर आप लो देखेंगे तो 5028 का लेवल है। स्टॉक ऑलरेडी अभी 5700 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, अगर नीचे आएगा तो इस लेवल तक आ सकता है, तो अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो आप इसी प्राइस से शुरू कर सकते हैं। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 स्टॉक लेने हैं तो आप 5 बारी में बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 2 स्टॉक अभी ले लिए, 2 स्टॉक दोबारा नीचे आएगा, 2 फिर ले लिए, ऐसे करते करते आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि यू नेवर नो कि ये प्राइस कब यहां से वापस चला जाए और आपको बाइंग का मौका ना मिले। मतलब मेरी तरफ से कोई पुश नहीं है, आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगे आप बाय करिए, नहीं अच्छा लगे आप छोड़ दीजिए। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको इसको समराइज करूं तो कंपनी के फंडामेंटल्स जो है काफी अच्छे हैं, कंपनी के टेक्निकल्स जो है वो अभी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, अभी स्टैगर्ड बाइंग का ऑप्शन आप ले सकते हैं। कंपनी के अगर आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो काफी अच्छा है, कंपनी न्यू एप्लीकेशंस लॉन्च कर रही है, कंपनी न्यू लोकेशंस में अपने ऑफिसेज बना रही है, कंपनी टेक्नोलॉजी पे काफी ज्यादा स्पेंड कर रही है, कंपनी का प्रोडक्ट लाइन काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो मोटा मोटा कंपनी का फ्यूचर पर्सपेक्टिव मुझे काफी स्ट्रांग लगता है, और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी मजबूत हो रहा है, DIIs अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहा है, प्रमोटर्स अपने स्टॉक को खुद बाय कर रहे हैं। तो ये था पूरा नेट नेट बजाज फाइनेंस का एनालिसिस। इस वीडियो के लिए इतना ही, मेरी तरफ से किसी भी तरह की बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है स्टॉक को लेकर के। अगर आप स्टॉक में अपनी पोजीशंस बिल्ड करना चाहते हैं तो एक बार अपना एनालिसिस जरूर करें और फिर कोई इन्फॉर्म डिसीजन लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसको लाइक करें। फ्यूचर में इसी तरह के और एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।